जो हालात चल रहे हैं, इससे ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि हजरत इमाम महदी अलैहिस्सलाम के जहूर का वक्त करीब आन पहुँचा है। इसके अलावा इस हदीस पर गौर करें तो मशरिक की तबाही का आगाज मुल्क शाम से शुरू होगा, लेकिन शायद अरब हुक्मरान इन यहूदियों की चाल ना समझ सके या फिर बेरुखी इख्तियार कर ली। लेकिन वजह जो भी हो, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई अलामत ने तो जाहिर होकर ही रहना है। एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क शाम 90% तक तकरीबन बर्बाद हो चुका है। शाम, इराक और लबनान के हालात आप सबके सामने हैं। अहादीस के मुताबिक अरब ममालिक के सुनहरे दौर के खात्मे की वजह मुल्क शाम के हालात होंगे। मौजूदा सूरत हाल देखी जाए तो ये मालूम होता है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई एक और पेशनगोई सच साबित होने जा रही है। किताबुल फितन में आता है कि जब मुसलमान हर तरफ से मगलूब हो जाएंगे, मुसलसल जंगें होंगी, मुल्क शाम में भी ईसाइयों की हुकूमत कायम हो चुकी होगी। जब सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र भी बाकी ना रहेगा, यानी कुफार का जुल्म बढ़ता जाएगा, हत्ता के उम्मत मुस्लिमा भी खाना जंगी का शिकार होगी। अरब और खलीजी ममालिक बिलखसूस सऊदी अरब में मुसलमानों की कुछ खास हुकूमत ना रहेगी। खैबर के करीब तक यहूदो नसारा की फौजें पहुंच जाएंगी, बाकी बचे चंद मुसलमान मदीना मुनवरा पहुंचेंगे, तो उस वक्त हजरत इमाम महदी अलैहिस्सलाम मदीना मुनवरा में जाहिर होंगे। दूसरी तरफ दरियाए तिबरिया भी तेजी से खुश्क हो रहा है और ये इमाम महदी अलैहिस्सलाम के जहूर से कबल खुश्क हो जाएगा। मशरिक वुस्ता खुसूसन मुसलमानों और सारी दुनिया के हालात को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि दुनिया साफ हौलनाक तबाही की जानिब बढ़ रही है और गजवा हिंद भी करीब है। अब सवाल ये पैदा होता है कि गजवा हिंद का मरकज कौन सा खिता होगा। इस हवाले से उलमाए किराम का कहना है कि मशरिक वुस्ता ही वो खिता है जहाँ गजवा हिंद होगा। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी कौम का एक लश्कर ऐसा होगा जो कि हिंद पर चढ़ाई करेगा और अल्लाह ताला इस लश्कर को कामयाबी अता करेगा, यहाँ तक कि वो हुक्मरानों को बेड़ियों में जकड़ कर लाएंगे और अल्लाह पाक इस लश्कर के तमाम गुनाहों को माफ फरमा देगा। फिर वो लश्कर वापसी का रुख करेगा, वो शाम में मौजूद ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम के साथ जा मिलेगा। नाज़रीन, ये रिवायत बयान करने के साथ हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु का कहना है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान अकदस से इस लश्कर के बारे में सुनकर मैंने कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं उस वक्त तक जिंदा रहा तो मैं अपना सब कुछ बेच कर इस लश्कर का हिस्सा बनूंगा। जब आखिर पर अल्लाह हमें कामयाबी अता करेगा तो उसके बाद जब मैं शाम पहुँचूंगा और ईसा इब्ने मरियम को तलाश करके उनको बताऊंगा कि मैं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथी रहा हूँ। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु की बात सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर फरमाया कि बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। आने वाले दौर में बहुत ही फितना और फसाद नजर आता दिखाई देता है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत पर एक ऐसा दौर भी आएगा जिसमें फितने ऐसे तेजी से आएंगे जैसे तस्बीह के दाने टूट जाने से तेजी के साथ जमीन की तरफ आते हैं। कयामत की बड़ी निशानियां जिनके जाहिर होने के बाद कयामत के कायम होने में ज्यादा देर नहीं होंगी वो ये हैं: हजरत इमाम महदी अलैहिस्सलाम का जहूर होना और बैतुल्ला शरीफ के सामने लोगों का इनके हाथ पर बैयत खिलाफत करना, इनके जमाने में काने दजाल का निकलना और 40 दिन तक जमीन में फसाद मचाना, फिर इस दजाल को कत्ल करने के लिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का आसमान से नाजिल होना, याजूज माजूज का निकलना, दाबतुल अर्ज का निकलना, सूरज का मगरिब की जानिब से तुलू होना, और ये क्यामत की सबसे बड़ी निशानी होगी जिससे हर शख्स को नजर आएगा कि अब जमीनों आसमान का निजाम दरम भरम हुआ जाता है और अब इस निजाम को तोड़ देने और क्यामत के बर्पा होने में ज्यादा देर नहीं है। मोजल नाजरीन, क्यामत बहुत ही खौफनाक और दिल दहला देने वाली चीज है। आखिर में हज़्ब रिवायत ये दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को इसके लिए तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए और क़यामत के दिन की रुसवाइयों और हौलनाकियों से अपनी पनाह में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ हमारी आज की इस वीडियो का अख्ताम होता है। इंशाल्लाह बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी एक और अच्छी इस वीडियो के साथ। तब तक अपना, दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदनवा के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।